ओके, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है कि इट इज सिंपल वर्ड्स में टैक्सेस को इंक्रीज करना एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को डिक्रीज करना. आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर इसका सोचा होगा. गवर्नमेंट क्या करती है, वो इस पॉलिसी को बहुत कम यूज करती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करती है, कम से कम करती है. एंड ऑफ कोर्स नो गवर्नमेंट विल लाइक उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो, बट मे बी कभी कभार ऐसे डिसीजंस लेना पड़े. तो देयरफॉर गवर्नमेंट रेयरली यूजेस दिस पॉलिसी बिकॉज एज इट्स एम इज टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस पॉलिसीज एम इज टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई एनी गवर्नमेंट विल वांट टू डू दैट. ठीक है, सही. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, आप ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कब करनी है? ठीक है, ये पॉलिसी उस वक्त इम्प्लीमेंट होगी जब गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहे. ठीक है ना, यानी कि लोगों के पास अब इतना ज़्यादा पैसा आ गया है कि जितनी भी चीज़ें उसकी प्राइस इंक्रीज होती जाए दे वुड वांट टू स्पेंड ऑन देम बिकॉज दे हैव मनी. क्लियर, सही. और वो उस प्राइसेस को इंक्रीज प्राइसेस पे जो प्रोडक्ट्स उनको मिल रहे दे कैन परचेज देम. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इज दैट द प्राइसेस इंक्रीज टू मच. और इस इंक्रीज इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए या कर्टेल करने के लिए what the government has to do is to adopt or implement a contractionary fiscal policy. Too much inflation has the potential to damage the economy in the long term. At the current time period to hame nahi pata chal raha ki ye inflation jo hai economy ko kya damage pahuncha rahi hai, lekin agle 6 saal ke baad 10 saal ke baad hame pata chalega ki us time pe kya damage economy ko pahuncha tha aur iski wajah se ab uske kya impacts economy pe ho rahe hain. So government has to step in to control inflation and for that it has to implement the contractionary fiscal policy. Here also the government has the same tools at its disposal. वो ही same tools है. क्या है? Government spendings है और tax cuts है. But over here they are used differently. अब मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों के पास पैसा बहुत है, चीज़ों की prices increase होती जा रही है, they are still able to purchase them ना, तो उस पैसे को कंट्रोल कैसे करना है, गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देता है. यानी कि लोगों के पास अब पैसा कम हो गया, ठीक है, और वो इंक्रीज प्राइसेस को प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, जो कि डिस्करेज करेगा प्रोड्यूसर को कि वो फर्दर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर दे. और इसके साथ साथ गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स भी रिड्यूस कर देगा, लिमिट कर देगा कंज्यूमर को फॉर सम पर्टिकुलर स्पेंडिंग्स. ठीक है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग्स. वन कैन इजीली इमेजिन हाउ अनपॉपुलर सच मेजर्स विल बी अमंग द वोटर्स. जब भी हम वोट देते हैं टू एनी ऑफ द लीडर, ठीक है ना, तो ये पॉलिसीज हम जो है एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी जो अभी गवर्नमेंट आएगी, द इनकम्बेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट होगी वो ये स्टेप्स ले. जब भी ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं तो देर इज एन अपरोर इन एनी इकॉनमी एंड पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट सच स्टेप्स. ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच. अब बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? अ गवर्नमेंट ऑलवेज फेसेस अ रिस्क दैट मोर स्पेंडिंग एंड लोअर टैक्स रेट्स कुड फ्यूल इन्फ्लेशन. जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है उसमें क्या रिस्क होगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी. दिस हैपेंस बिकॉज मोर मनी इन द इकॉनमी pushes the consumer's demand up, eventually leading to a fall in the value of money. ठीक है, ये कब होगा? जब economy में consumer की demand जो है वो consumer अपनी demand को fulfill कर सकता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा spendings करने के काबिल होगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी detail में explain करके दिया. तो what would it mean? It means that it now takes more money to buy a product or service whose value is not changed. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी किस प्रॉब्लम को अराइज कर रहा है? एक प्रोडक्ट है, एक आईफोन था जिसकी प्राइस थी 80 to 90,000 रुपीज. आईफोन की वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एडिंग सम फीचर्स, ठीक है, और उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन उस आईफोन की प्राइस अब हमारे पास 2,50,000 2,60,000 रुपीज हो गई. ये प्रॉब्लम अराइज होता है जब हमारे पास इन्फ्लेशन होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम but you have to pay more prices for that product. इस problem को control करने के लिए government is forced to
adopt a contractionary fiscal policy. So therefore, it is very important for government to monitor its fiscal constantly. तो फिर इस प्रॉब्लम पे आने से पहले ही गवर्नमेंट क्या करेगा, जब उसने अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट की एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इट विल मॉनिटर इट्स इकोनॉमी कंटिन्यूसली. ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा. इट विल नॉट लेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन प्रिवेल इन द इकोनॉमी. एंड इफ देर आर एनी साइंस ऑफ इन्फ्लेशन दैट आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, इट विल एड्रेस देम अकॉर्डिंगली. एंड ऑफ कोर्स टाइमली अगर वो डिसीजंस लेगा तो इतनी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में नहीं आएगी जितनी हो गई है. ठीक है, नाउ हु आर अफेक्टेड बाय द फिस्कल पॉलिसी, वेदर दैट बी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और द मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी. बिकॉज वी नो दैट फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट गवर्नमेंट कर रहा है, उससे इन्वेस्टर या वो बंदा जिसके पास पैसे ज्यादा है, सिर्फ उसके लिए पॉलिसी नहीं है, रादर इट इज फॉर ईच एंड एवरी वन. ठीक है ना, वाई, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग्स हो रहे हैं और टैक्स कट्स मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कभी कभार टैक्स इंक्रीज भी हो जाता है. फिस्कल पॉलिसी मे नॉट बेनिफिट ऑल द सिटीजन्स इन द सेम वे. ठीक, गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंट की वेदर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, मगर इससे सारे सिटीजन्स एग्जैक्टली इन द सेम वे अफेक्ट नहीं होंगे, या ऑफकोर्स उनको बेनिफिट एक जैसा नहीं मिलेगा. Scope of the policy depends on the goals that policy makers aims to achieve. जिस तरह हमने monetary policy में पढ़ा कि एक aim को achieve करने के लिए other two or three aims जो है उसको at the moment जो है avoid करना पड़ेगा, exactly उसी तरह fiscal policy में भी है कि ये policy क्या करती है, it depends on the goals that the policy makers aims to achieve. For example, if the government spends more on defense projects, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रही है, इट वुड बेनिफिट ओनली अ फ्यू, होम ऑफ कोर्स वी नो दैट इट विल बेनिफिट द वंस हु आर एसोसिएटेड विद द डिफेंस, बट इफ स्पेंडिंग इज ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स द बेनिफिट्स वुड रीच टू अ लार्जर ग्रुप. डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो फिर क्या होगा, ऑफकोर्स ऑलमोस्ट द होल नेशन विल बेनिफिट विद इट बाई गेटिंग water easily. ठीक है, तो similarly changes to a particular tax slab would affect only the people falling in that category. तो जो हमारे पास जिस sector पे जिस component of the economy पे tax impose हुआ है या tax जो है उसकी reduction हुई है from their incomes, from their investment projects, तो वो particular sector या group of people या society जो है they will benefit from that policy. It is not necessary that har koi us policy se jo hai usko fayda mile. Simple example main aapko deti hu, cosmetics pe is government ne bahut zyada tax impose kiya hai, imported cosmetics. Jo women, jo ladies, because all of you yahan pe in class mein jo mere paas maujood hai, mere sath, all of you are females, theek hai na. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत शौक होगा इन चीज़ों का, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा शौक नहीं होगा, और जिनको बहुत शौक होगा इम्पोर्टेड मेकअप और ये चीज़ें यूज़ करने का, ठीक है ना, दे विल बी अफेक्टेड बाय दिस पॉलिसी. व्हाई? बिकॉज नाउ दे आर नॉट एबल टू परचेज दोज प्रोडक्ट्स ईजिली. ठीक है, बिकॉज उनकी वैल्यू सेम है लेकिन देयर प्राइसेस हैव बिकम हायर. बट द अदर पीपल लाइक मी सपोज, ठीक है ना, जिनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, वो क्या करेंगे, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दी higher tax rates being imposed on these cosmetic products which are imported from other countries. This was all about fiscal policy. If there are any questions, you can ask me. Otherwise, this chapter has come to an end. So I will stop the recording for now. And if there are any questions, you can ask me.